फ्रेंड्स यू आर वेलकम टू दिस यूट्यूब चैनल ऑफ जीएसटी ऑडिटर। तो भाई साहब आज के इस वीडियो में आप देखेंगे कि यदि आपका पैन मिसयूज करके किसी ने जीएसटी का रजिस्ट्रेशन ले लिया है तो आप जीएसटी पोर्टल पर किस प्रकार कंप्लेन करेंगे। जी हाँ भाई साहब, आजकल जीएसटी में फ्रॉड हो रहा है तथा कुछ लोग दूसरे लोगों की जानकारी के बिना उसके पैन का मिसयूज करते हुए जीएसटी का रजिस्ट्रेशन ले लेते हैं और उस जीएसटीआईएन से फेक इनवाइस में डील करते हुए जीएसटी रिफंड लेकर चंपत हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स यदि आपका भी पैन का किसी ने मिसयूज किया है तो आप इसे जीएसटी पोर्टल पर चेक कर सकते हैं। साथ ही अब आप इसके लिए कंप्लेन जीएसटी पोर्टल पर ही डाल सकते हैं। तो चलिए जीएसटी पोर्टल पर इसे कैसे चेक करेंगे इसे देखते हैं। फ्रेंड्स आपको सबसे पहले जीएसटी पोर्टल पर जाना है। यहाँ सर्च टैक्सपेयर्स मेन्यू के अंदर आपको सर्च बाय पैन पर क्लिक करना है। यहाँ आपको अपना पैन डालकर कैप्चा एंटर करने के बाद सर्च बटन पर क्लिक करना है। फिर आप देख सकते हैं कि यदि आपके पैन से जीएसटी का नंबर लिया गया है तो आपको सेलेक्ट टू रिपोर्ट बॉक्स को टिक करना है। फिर आप रिपोर्ट बटन पर क्लिक करेंगे। फिर एक नया पॉपअप विंडो ओपन होगा जहां आपको आपका नाम दिखाई देगा। साथ ही आपको यहां अपना पैन कार्ड में मेंशन डेट ऑफ बर्थ को एंटर करना है। फिर आपको एड्रेस बॉक्स में आपका एड्रेस टाइप करना है। इसके अलावा आपको ईमेल एड्रेस में अपना वैलिड ईमेल आईडी डालना है और मोबाइल नंबर के स्पेस में आपको मोबाइल नंबर एंटर करना है। आपके ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर दोनों में प्रोसीड पर क्लिक करने के बाद ओटीपी आएगा जिसके वैलिडेशन के बाद आपको एआरएन मिलेगा। फ्रेंड्स आपके द्वारा सबमिटेड एप्लीकेशन जीएसटी ऑफिसर के पास फर्दर एक्शन के लिए चला जाएगा और जीएसटी ऑफिसर जरूरी जांच पड़ताल के बाद उस फेक जीएसटीआईएन को कैंसिल कर देगा। फ्रेंड्स इसके साथ ही आप एआरएन से अपने कंप्लेन के स्टेटस को भी चेक कर सकते हैं। फ्रेंड्स इसके अलावा यदि आपके पैन का मिसयूज करते हुए किसी ने प्रोपराइटर के अतिरिक्त किसी अन्य कैटेगरी में जीएसटी का रजिस्ट्रेशन ले रखा है तो आपको कंप्लेन फाइल करने के लिए आधार ऑथेंटिकेशन भी करवाना पड़ेगा। फ्रेंड्स यहां आप देख सकते हैं कि इस पैन से जीएसटी का रजिस्ट्रेशन फर्म के नाम पर लिया गया है। यहां आपको आपका नाम और पर्सनल डिटेल्स भी डालना है। फिर आपको प्रोसीड पर क्लिक करके नेक्स्ट स्टेप के लिए जाना है। तो फ्रेंड्स इस प्रकार आप या आपके किसी जान पहचान वाले के पैन का मिसयूज करके किसी ने जीएसटी का नंबर ले लिया है तो आप इस तरीके से अपना कंप्लेन जीएसटी पोर्टल पर रजिस्टर करवा सकते हैं ताकि जीएसटी ऑफिसर के द्वारा तुरंत कार्यवाही कर आपके पैन से रिलेटेड जीएसटीआईएन को कैंसिल किया जा सके। फ्रेंड्स यदि एक पैन से मल्टीपल जीएसटीआईएन लिया गया है तो भी आप एक साथ सभी जीएसटीआईएन के अगेंस्ट में कंप्लेन डाल सकते हैं और आपको अलग अलग एआरएन प्रोवाइड किया जाएगा। तो भाई साहब सीबीआईसी के द्वारा यह एक अच्छा इनिशिएटिव लिया गया है ताकि कोई आम आदमी जो जीएसटी फ्रॉड का विक्टिम है अपना कंप्लेन दर्ज करा सके। फ्रेंड्स इसी के साथ मैं यह वीडियो क्लोज कर रहा हूँ। यदि आपको यह वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करें और इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लें। फ्रेंड्स थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइबिंग।